As promised, I am back with the most asked question, that is how to grow, rock and maintain a patchy beard. हेलो गब्रूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आप लोगों का इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है कि और ज़्यादा हम लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग द वे यू आर डूइंग इट राइट नाउ। एंड हम आपको हर फैशन ग्रूमिंग क्वेरी का सॉल्यूशन देते रहेंगे और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक, पैची बियर्ड। सो पैची बियर्ड एग्जैक्टली होती क्या है? वेट अ सेकेंड, अगर आपकी फुलर ग्रोथ नहीं कर पा रही और आपको बाल्ड स्पॉट्स दिखते हैं अपनी फेशियल हेयर ग्रोथ में, देन यू हैव अ पैची बियर्ड। एंड इसमें कोई भी अनफॉर्चुनेट बात नहीं है, इट्स 100% नॉर्मल और नेचुरल यार, डोंट वरी अबाउट योर पैची बियर्ड। आज से दो साल पहले, सिर्फ दो साल पहले, आई वॉज नॉट एबल टू ग्रो दिस मच ऑल्सो। मेरे चीक्स पर एक भी बाल नहीं आता था, एक भी बाल। एंड नाउ यू कैन सी आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं इतनी ग्रोथ कर पाया हूँ। एंड इट्स जस्ट जीन्स, यस इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखो, जैसे जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे ये फेशियल ग्रोथ थिकर और फुलर होगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आपकी फेशियल ग्रोथ होगी ही होगी। बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एज में बड़े हो सकते हैं एंड स्टिल दे कैनॉट ग्रो अ बियर्ड। अगेन द पॉइंट, जेनेटिक्स, उनके जेनेटिक्स अभी रेडी नहीं है फुल और थिक बियर्ड को ग्रो करने के लिए। सो इट्स ओके, अब इंटरनेट पर आपको बहुत बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो पैची बियर्ड को ग्रो करने के तरीके बताते हैं। पहला कि वो बियर्ड ग्रोथ ऑयल यूज कर लो तो मैजिकली आपकी बियर्ड ग्रो हो जाएगी, ऐसा जो बिल्कुल भी सच नहीं है। सेकेंड, वो एक्चुअली एक पेन लेकर अपने यहाँ पे पैचेस फिल करते हैं, मार्कर पेन लेकर, ब्लैक पेन से। और इंटरेस्ट मी गाइज, जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ उनमें से ये कोई भी कबाड़ा स्टेप उसमें एक भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग ऑफ विद स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप है लेट इट ग्रो। इफ यू कैनॉट ग्रो अ बियर्ड, डोंट ग्रो अ बियर्ड। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बहुत सारे लोगों से सुनी होगी एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स टोटली रॉन्ग। यार अगर आप अपनी बियर्ड को टाइम ही नहीं दोगे ग्रो करने का, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक्चुअली में बियर्ड ग्रो कर सकते हैं या नहीं? ना सिंपल है, अगर मैं इस चीज़ को फॉलो करता तो मे बी जो ये मेरी ग्रोथ हुई है, जो छोटी सी है, पर मैं शायद ये भी ना कर पाता। सो लेट इट ग्रो, डोंट ट्रिम और शेव। स्टेप नंबर टू, बी पेशेंट। नाउ पेशेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोइंग अ बियर्ड। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रो करेगी और आपको रिजल्ट देगी आपके डिज़ाइन। एंड आप अगर देख सकते हैं तो ये मेरी वन मंथ की ग्रोथ है। आई नो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू माई जेनेटिक्स, सो मेरे को नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है इससे। सो अकॉर्डिंग टू मी ये ग्रोथ ठीक है, वन मंथ के हिसाब से इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन विद मी। बट अगर आपको और ज़्यादा बड़ी करनी है, आपको पता नहीं है कि आप एक्चुअली में ग्रो कर सकते हैं या नहीं, तो आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। दैट्स द मेन फंडा। अगर आप टाइम देंगे और वो और ज़्यादा ग्रो करेगी, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी ग्रो कर सकती है और कितने आपके जेनेटिक्स उसको सपोर्ट करते हैं। सो बी पेशेंट। स्टेप नंबर थ्री, इन फिक्सिंग अ पैची बियर्ड, कोम एंड ब्रश इट रेगुलरली। ओके, सो आपने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पूरी डिलीजेंस से फॉलो किया एंड अब आपके फेस पर एक महीने बाद, दो महीने बाद, जितने भी आपने पेशेंट्स रखी, उसके बाद थोड़े से बियर्ड ग्रो हुई है। ओके, जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं मे बी, बट थोड़े से जो फेशियल हेयर है वो आपको दिख रहे हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू कोम। कोम करने से ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होती बियर्ड की, बट जो पैची बियर्ड है उसको कोम और ब्रश करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो एक डायरेक्शन में ग्रो करती है और इसको प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है एंड मेंटेन रहती है। दैट्स इट, दैट्स द रूल। सो कोम इट रेगुलरली। ओके, आई नो ये कोम बियर्ड के लिए नहीं बनी, बट इट्स फाइन फॉर मी। और अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये मेरा काम कर देती है। इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज, यू कैन गो फॉर अ बियर्ड कोम, बट मेरे लिए ये ठीक है एंड आई विल कंटिन्यू टू यूज दिस। लेट्स गो टू स्टेप नंबर फोर,
स्टेप नंबर 4, ट्रिम एंड शेव रेगुलरली। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टेप फर्स्ट स्टेप को काउंटर करता है, बिकॉज मैंने कहा था कि लेट इट ग्रो और कभी शेव मत करो। सो लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप कोई प्रेफर्ड बियर्ड आपका स्टाइल है जिसको आप रखना चाहते हैं, लाइक आई लाइक टू कीप स्टबल, तो मुझको इसको ट्रिम करना पड़ेगा रेगुलरली। एंड आप देख सकते हैं नेक लाइन मैंने शेव कर रखी है ऑलरेडी, नेक और इसका डिफरेंस पता चल जाता है चिन का। दैट्स वाई यू हैव टू कीप इट शॉर्ट अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। अगर आप नो मैड बियर्ड उगाना चाहते हैं वो लंबी लंबी, तो आपको बहुत ज़्यादा मे बी 1 ईयर तक वेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स। बट पर्सनली आई प्रेफर स्टबल। नेक्स्ट वीडियोज में आपको इतनी ग्रोथ ना दिखे मेरे बालों की, फेशियल हेयर की। सो इट्स टोटली अप टू यू, जौन सा आप स्टाइल रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिम या शेव करें अपनी बियर्ड। रिमेंबर, बियर्ड ने अपना काम कर दिया, इट मेड यू लुक मैस्कुलिन, इट मेड यू लुक सेक्सी, नाउ इट्स टाइम टू गिव इट बैक। सो मेंटेन इट, ट्रिम इट रेगुलरली, शेव इट रेगुलरली अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड चॉइसेस। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ मेंटेनिंग एंड फिक्सिंग अ पैची बियर्ड, अप्लाई अ बियर्ड ऑयल। बिफोर इलैबोरेटिंग दिस पॉइंट लेट मी शो यू समथिंग। टन टन, अर्बन गबरू बियर्ड ऑयल, यस इट इज फाइनली हियर। आप लोगों ने कमेंट्स में भर भर के पूछा है कि कौन सा बियर्ड ऑयल बेस्ट है मार्केट में, कौन सा बियर्ड ऑयल हमें लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ओके वेट, बिफोर यू जज मी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट बियर्ड ऑयल इन द मार्केट, एंड इससे अच्छा आपको कभी नहीं मिल सकता या इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। हमारा मोटिव ये नहीं है, हमारा मोटिव आपको बिल्कुल भी मिसलीड करना नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दिस प्रोडक्ट इज नेचुरल, एंड इसके USP ये है कि इसमें जोजोबा और यूकेलिप्टस जला हुआ है प्योर कंटेंट में, एंड पेपरमेंट ऑरेंज और ये सब एक्सट्रैक्ट इसमें डले, नटमेग, जो इसको नॉर्मल प्रोडक्ट और नॉर्मल बियर्ड ऑयल से अलग करता है। आई नो द पैकेजिंग इज नॉट द बेस्ट, बट मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको सेटिस्फाई करेगा और जितनी भी आपकी नीड्स है बियर्ड ऑयल के साथ वो पूरी करेगा। दिस इज अ बियर्ड ऑयल, नॉट अ बियर्ड ग्रोथ ऑयल, बिकॉज बियर्ड ग्रोथ ऑयल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एंड कोई भी जादू ऐसा नहीं है दुनिया में जो आपके एकदम से बियर्ड उगा सके, एक्सेप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ये आपकी बियर्ड को नरिश करेगा, इन शॉर्ट ये एक प्रॉपर बियर्ड ऑयल का काम करेगा। अबाउट दिस प्रोडक्ट, फेसबुक पर एक बियर्डेड मैन की कम्युनिटी है जिन्होंने इसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर मिलकर काम किया है जिससे कि ये प्रोडक्ट आज मेरे हाथ में है और आज मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। पैची बियर्ड के लिए बियर्ड ऑयल इज़ अ मस्ट, एंड अगर आपको बियर्ड ऑयल नहीं लगाना तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर आर्गन ऑयल लगा सकते हैं ताकि इसकी ग्रोथ एनहेंस हो। एनहेंस का मतलब है कि बढ़ेगी, स्टिम्युलेट नहीं हो सकती, बिकॉज बियर्ड ऑयल कभी भी, आपको फिर से बता रहा हूँ, ग्रोथ एनहेंस कर सकता है, कभी भी स्टिम्युलेट या स्टार्ट नहीं कर सकता। सो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ फाइन, एंड मैं आपको एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, एंड मेरी बियर्ड काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रही है इसके बाद। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको यही लेना है, इसके बिना आप पैची बियर्ड कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने ऑल्टरनेटिव्स बता दिए हैं, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऐसा ऑयल जो आपकी बियर्ड को एनहेंस कर सकता है, उसकी ग्रोथ एनहेंस कर। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एंड आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें अगर आप करना चाहते हैं तो। अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। बट एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि इस प्रोडक्ट के लिमिटेड स्टॉक्स हैं, ओनली 500 टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है, अगर आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू urbangabru.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस साइट का, और वहाँ जाके फ्री साइन अप करना है। फ्री साइन अप करने से जितने भी फर्स्ट 500 लोग साइन अप करते हैं, हमें उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कितने लोगों के पास ये प्रोडक्ट पहुँचाना है एंड कितने लोगों को ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज 500 स्टॉक है, एंड मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बाद ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी, इट्स ऑल अप टू यू। सो जो भी फर्स्ट 500 साइनअप्स हमें आते हैं, उनको ये प्रोडक्ट यू हो सकता है, वो अपनी इच्छा से प्रोडक्ट ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको अगर साइनअप कर दिया तो आपको प्रोडक्ट लेना ही लेना पड़ेगा। इट्स अ फ्री साइनअप, गो टू urbangabru.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन, एंड गो देयर, साइन अप फॉर फ्री, जॉइन द कम्युनिटी एज वेल। सो गबरूज, दीज वर द 5 स्टेप्स टू फिक्स अ पैची बियर्ड एंड रॉक योर पैची बियर्ड। डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज ये 100% नेचुरल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़। एंड आपको अगर ये ग्रो नहीं करनी है, मेंटेन नहीं करनी है, आई थिंक फिर आपको शेव कर लेनी चाहिए, बिकॉज
अगर आप ढंग से पैचेस फिल नहीं कर पा रहे हैं एंड आपकी ग्रोथ अभी भी स्टिमुलेट नहीं हो रही है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ क्लीन शेव्ड फेस। या आप थोड़े थोड़े हेयर ग्रो कर पा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बियर्ड स्टाइल्स को रखें। आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है, आपकी कोई भी कुछ भी शिद्दत है हमसे बात करने की, तो आप इंस्टाग्राम पे हम लोगों को DM कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गब्रूज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अरविंद गब्रू आउट।